हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। यह दूसरा वीडियो है कोहेरेंस एंड ऑप्टिकल फाइबर यूनिट का। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, व्हाई वी नीड ऑप्टिकल फाइबर, वेयर वी यूज ऑप्टिकल फाइबर, एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर ओवर कॉपर वायर्स। आज के वीडियो में हम सिर्फ बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। ऑप्टिकल फाइबर कंजिस्ट कोर, क्लेडिंग, कोटिंग एंड जैकेट। तो ऑप्टिकल फाइबर की जो पार्ट्स हैं उनके नाम हैं कोर, क्लेडिंग, कोटिंग एंड जैकेट। डायग्राम में हम देख सकते हैं कोर, क्लेडिंग, कोटिंग, बफर जैकेट, टेंसिल स्ट्रेंथ एंड ओवर जैकेट, आउटर जैकेट, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं कोर। कोर क्या है? कोर आर यूज टू ट्रांसमिट द लाइट। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा है कि ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। इनके ऊपर बहुत सारी लेयर्स होती हैं। इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है उसको ही हम कोर कहते हैं। और हमने यह भी पढ़ा था कि ऑप्टिकल फाइबर का मेन पर्पस लाइट सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने का है। तो ट्रांसमिशन का जो काम है वो कोर के हेल्प से ही किया जाता है, और जो ट्रांसपेरेंट भाग है उसी को हम कोर कहते हैं। कोर आर यूज टू ट्रांसमिट द लाइट। कोर शुड बी क्लियर एंड प्योर मटेरियल फॉर लाइट। ठीक है, तो कोर क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए और प्योर होना चाहिए। कोर आर मेड फ्रॉम प्लास्टिक फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, बट जनरली कोर आर मेड फ्रॉम ग्लास। अगर हमें ऑप्टिकल फाइबर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए चाहिए तो वो प्लास्टिक की हेल्प से बनाया जाता है, लेकिन जनरली ऑप्टिकल फाइबर ग्लास से ही बनाया जाता है। मोस्टली प्योर सिलिका इज यूज्ड एज ग्लास, बट सम अदर मटेरियल्स लाइक कॉलकोगेनाइट ग्लासेस आर आल्सो यूज्ड फॉर लॉन्गर वेवलेंथ। द डायमीटर ऑफ कोर इज 25 to 50 μm। तो मोस्टली जो कोर है वो किसके हेल्प से बनाया जाता है? सिलिका के हेल्प से बनाया जाता है, और इसका जो डायमीटर है वो 25 to 50 μm होना चाहिए। तो कोर हम देख सकते हैं, ये जो पार्ट है वो ट्रांसपेरेंट पार्ट है, इसको हम कोर कहते हैं। और यही पार्ट लाइट के ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है। अब देखते हैं क्लैडिंग क्या है। क्लैडिंग इज द आउटर कोटिंग ऑफ कोर यूज टू गाइडिंग द लाइट इन कोर। क्लैडिंग क्या है? आउटर कोटिंग ऑफ कोर, कोर का आउटर कोटिंग है। मींस इसने कवर कर रखा है कोर को ताकि जो लाइट पल्सेस, क्योंकि हमने पढ़ा कोर क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट तो लाइट पल्सेस इससे बाहर भी निकल सकती है। लेकिन क्लैडिंग क्या करता है? लाइट पल्सेस को इन कोर के अंदर ही बनाए रखता है। तो क्लैडिंग इज आउटर कोटिंग ऑफ कोर यूज टू गाइडिंग द लाइट इन द कोर। तो इसलिए लाइट को कोर के अंदर बनाए रखने के लिए क्लैडिंग का यूज होता है। क्लैडिंग आर आल्सो मेड अप बाय सिलिका एंड सम अदर पॉलीमर्स। क्लैडिंग हैव डायमीटर ऑफ 100 to 125 μm। The function of core is to transmit the light and cladding is used to guide the light optical signals to the core. तो कोर का फंक्शन क्या है? ट्रांसमिट करने का लाइट को। लेकिन कोर क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए जो लाइट पल्सेस है उनका लॉस ना हो हमें, इसलिए क्लैडिंग का यूज होता है, जो लाइट पल्सेस को कोर के अंदर ही बनाए रखता है। इन ऑर्डर टू कन्फाइन द लाइट इन द कोर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लैडिंग आर डिफरेंट। तो लाइट पल्सेस कोर के अंदर ही रहे, इसके लिए कोर एंड क्लैडिंग दोनों का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो डिफरेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब हम इसका न्यूमेरिकल अपर्चर पढ़ेंगे तब ये यूज आएगा, तो इसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर म्यू कोर इज मोर देन द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ
क्लैडिंग। तो कोर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो ज्यादा होता है क्लैडिंग से। इसीलिए जो लाइट है वो कोर के अंदर ही रह पाती है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटीरियल डिसाइड द वॉट एवर द मटीरियल ट्रांसमिट और रिफ्लेक्ट अ लाइट। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ही डिसाइड करता है कि जो मटीरियल है वो लाइट को ट्रांसमिट करेगा या रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसीलिए कोर की जो है वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होती है एज कंपेयरिंग टू क्लैडिंग। सेकेंड है बफर जैकेट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यह है कोर जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है, यह है क्लैडिंग जो कोर के जैकेट है। और ये क्या करता है, लाइट पल्सेस को कोर के अंदर ही बनाए रखने का काम करता है। इसका क्लैडिंग का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, वो कम होता है एज कंपेयरिंग टू कोर। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ही डिसाइड करता है कि जो मटेरियल है वो उस लाइट का ट्रांसमिशन करेगा या उसको रिफ्लेक्ट करेगा। नेक्स्ट हमारा है बफर जैकेट। तो बफर जैकेट क्या करता है, द बफर जैकेट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्रॉम मॉइस्चर एंड कट टू कोर एंड क्लैडिंग। द साइज ऑफ बफर जैकेट इज 250 μm। तो बफर जैकेट किससे बनता है, प्लास्टिक से ही बनता है। और क्यों बनता है, ताकि मॉइस्चर से बचा सके क्लैडिंग और कोर को, और कोई भी कट रैशेस से कोर और क्लैडिंग का प्रोटेक्शन कर सके। आउटर जैकेट, द आउटर जैकेट ऑफ ब्लैक पॉलिथीन इज यूज टू प्रोवाइड टफनेस एंड टेंसिल स्ट्रेंथ टू द फाइबर सो दैट इट कैन बी यूज इन एनी वे लाइक बेंडिंग पुलिंग एंड स्क्रचिंग। तो जो आउटर जैकेट है वो इसको फ्लेक्सीबिलिटी प्रदान प्रोवाइड करवाता है और टेंसिल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है, ताकि इसको हम बेंड कर सके, फोल्ड कर सके, कुछ भी कर सके। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर का। टिल देन बाय बाय।